अस्सलाम वालेकुम एंड हाय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जुम्मा है, जुम्मा के दिन तो दाल बनना लाजमी ही है, तो मैंने सोचा कि आज कुल्फा दाल बनाया जाए। इसके लिए हम लेंगे एक ग्लास पानी, जिसमें डालेंगे हम 3 चॉप टमाटोज, गार्लिक क्लव्स एंड रेड चिली। तो या ऐड दाल नाउ मिक्स इट वेल। हाँ, तो ये दाल बहुत ही बढ़िया सी बनती है, बहुत ही यमी होती है। ये दाल बहुत ही जल्दी से बन जाती है, बहुत ही कम टाइम में। इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए मैं बताती हूँ कि आगे मैंने क्या किया है। ये जो कुल्फा होता है ना, जो मिट्टी में उगता है, इसमें ज़्यादा सी मिट्टी होती है, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है। इसको अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो भी बॉईल हुआ पानी था। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बहुत सी लगती है भाजी, लेकिन एक 5 मिनट बॉईल होने के बाद बहुत ही कम क्वान्टिटी इसकी हो जाती है। तो आप ज़्यादा ही लें इसको डालने के लिए। सो यप, मिक्स इट वेल। इसमें हम लोग इमली भी डाल सकते हैं। मैं इमली डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टी ही अच्छी लगती है दाल, लेकिन ज़्यादा नहीं डालूंगी। बिल्कुल ही खट्टी नहीं चाहिए मुझे, बस हल्का सा इसमें जो खट्टापन आएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है। आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें हल्दी भी ऐड किया है। इसमें अच्छा सा हल्का सा बॉईल आ गया है। 6 या 7 विजल्स में ये दाल बन ही जाएगी। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बन चुकी है। अब हम दाल घोटनी की मदद से इसे अच्छे से घोट लेंगे। साथ में मैं ये देखती हूँ कि जो खाना था वो भी ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम दाल को तड़का देने वाले हैं, क्योंकि दाल में तड़का ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, इसके लिए हम लेंगे ऑयल 5 टेबलस्पून लिया है मैंने इसमें तड़का देने के लिए। आपको जो अच्छा लगता है तड़के में, आप वो डाल लें इसमें। साथ ही मैंने सलाद भी बना ही लिया है। ये जो तड़का था ना, तड़के में मैंने डाला है जो बॉईल हुई दाल थी ना, वो उसमें ऐड की है। उसके बाद ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बहुत ही यम्मी बनी है। हाँ, सॉल्ट भी ऐड करना है, मैं आपको बताना भूल गई। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि ये वीडियो मैंने लिया था जुम्मे के दिन ही, लेकिन अपलोड के लिए बहुत ही टाइम लगा दिया। तो बताना ये था कि मैं एक हाथ से वीडियो भी लेती हूँ, एक हाथ से बनाती हूँ, इसलिए वीडियो उतना अच्छे से नहीं।